आप जरा डीप सी का ये आवाज को सुनो। अब दिल थाम के बैठो, क्योंकि आपने अभी जो आवाज को सुना है, अभी तक ये जीव का खोज नहीं पाई गई, क्योंकि शायद ये क्रिएचर समुद्र की सबसे गहराई यानी कि मरियाना ट्रेंच का नीचे रहते हैं। दरअसल 1977 में जो घटना हुई थी उसमें तो वैज्ञानिकों का होश उड़ गए थे। NOAA मतलब नेशनल ओशियनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने समुद्र के नीचे से आती हुई ऐसा जीव का आवाज़ को रिकॉर्ड की थी जो कि समुद्र का गहराई से लगभग 6000 किलो फ्रीक्वेंसी पार करके माइक्रोफोन तक पहुंची थी। और शायद ये आपको ब्लू होल का आवाज़ लग रही होंगे, लेकिन ये ब्लू होल का आवाज़ भी नहीं था, क्योंकि ब्लू होल का आवाज़ कुछ इस तरह का होता है। ब्लू होल का आवाज़ का फ्रीक्वेंसी होता है 1500 किलो तक, और जैसे कि यह आवाज़ का फ्रीक्वेंसी इतना दूर तक पहुंची थी और इतना गहराई से आया था, तो इससे यह अनुमान लगाया गया यह जीव एटलीस्ट ब्लू होल से 5 गुना विशाल होगा। कंपैरिजन के तौर पे ये है हम इंसान और ये है एक ब्लू होल, 100 फीट लंबे और 200 टन ओजन में। अब इससे भी 5 गुना विशाल का कोई जीव होगा तो वो कुछ तरह ऐसा दिखेगा। सोच कर ही बहुत अजीब लगते हैं। यह आकार में बिल्कुल कोई सी मॉन्स्टर जैसे कि क्रैकन या फिर लेवाइथन जैसा लगते हैं, लेकिन आखिर में ये कौन सा जीव हो सकते हैं उसके लिए हमें डीप सी में गोता लगाना पड़ेगा। आज विज्ञान काफ़ी आधुनिक सा तो ज़रूर है, लेकिन फिर भी माना जाता है हम अंतरिक्ष के बारे में ज़्यादा जानते हैं और महासागरों के बारे में सिर्फ 14% जानते हैं। और जब भी बात आती है महासागरों की तो हमें अंदाज़ा भी नहीं है इसका गहराई में क्या क्या रहस्य दबे हैं। हम सभी जानते हैं समुद्र की सबसे गहरी जगह है मरियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर एक विशाल सा 2550 किलोमीटर फैला हुआ एक विशाल सा गड्ढा है। इस गड्ढे का एवरेज गहराई है 8 किलोमीटर, लेकिन इसी गड्ढे के अंदर एक और 3 किलोमीटर गहरी से गड्ढा है जिसने वैज्ञानिकों को चैन से सोने नहीं दिया, और ये कुल मिलाकर 11 किलोमीटर गहरा बनते हैं। कंपैरिजन के तौर पे हमारी धरती का सबसे ऊंची चीज़ है माउंट एवरेस्ट, जिसका ऊंचाई है 8.8 किलोमीटर, यानी कि अगर इसे हम पूरी तरह से डुबा भी डालें तो फिर भी ये गड्ढा 2 से 3 किलोमीटर बाकी रह जाएंगे। इस गड्ढे का खोज 1842 में ब्रिटिश रॉयल नेवी एसी में चैलेंजर ने सबसे पहले की थी, और इसीलिए इसका नाम चैलेंजर डीप रखा गया। और तब से लेकर आज तक इसी गड्ढे ने वैज्ञानिकों को चैन से सोने नहीं दिया। और आप भी सोचो, इतना बड़ा गहरी से गड्ढा, न जाने यहाँ पर कौन कौन सा जीव रह सकते हैं, लेकिन इतना गहराई में और इतना अंधेरा में इन्हें खोज कर पाना कोई आसान काम नहीं है। साल 1960 में लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्स और जैक पिकर्ट ने यह करने का साहस दिखाया और एक अंडर वाटर सबमर्सिबल में इस गहराई में जीवों का खोज करने में लगी पड़ी। फिर लगातार 5 घंटे सफर करने के बाद ये लोग आखिर तक नीचे पहुंचे, और जैसे कि आप कल्पना कर सकते हो वहाँ पर नीचे पूरी तरह से अंधेरा था। ये दोनों रिसर्चर्स ने अपने अपने छानबीन में लगे पड़े और पानी का इतना नीचे ये दोनों ऐसे ऐसे जीवों का गवाह बने जिसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और इसमें एक बात तो पूरा निश्चित था, डीप सी के अंदर समुद्र के 11 किलोमीटर नीचे भी जीवों का अस्तित्व है जो सतह से पूरा अलग था। पर यह मेन बात नहीं था। जैक पिकर्ट के ऑब्जर्वेशन डायरी में पाया गया जब ये लोग नीचे थे तब कुछ अजीब सा जीवों के गवाह बने। उनके ऑब्जर्वेशन में ये पाया गया एक विशाल सा जीव उनका पीछा कर रही थी, लेकिन कुछ समय बाद ये अचानक गायब हो गई थी। और ये दोनों बहुत ही घबराई हुई थी, क्योंकि अगर ये विशाल सा जीव गलती से भी उनसे टकरा जाती तो ये दोनों की मौत तो निश्चित था, क्योंकि समुन्द्र के 11 किलोमीटर नीचे जहाँ पर प्रेशर सतह से 1000 गुना ज़्यादा है वहाँ पर इनका टिकना पूरी तरह से नामुमकिन है। और वैसे भी रिसर्चर्स की क्रू मरियाना अंडरग्राउंड पहाड़ से भी बहुत दूर था, और ये तो निश्चित था इतना बड़ा विशाल सजीव कोई अनडिस्कवर्ड या अनदेखा जीव ही हो सकते हैं। फिर 1985 में एक और बार समुद्र की गहराई पे क्या है उसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, और इसीलिए एक टेस्ट व्हीकल को समुद्र के 11 किलोमीटर नीचे भेजा गया। और इस व्हीकल के साथ रिसर्चर्स की पकड़ मजबूत रखने के लिए इसे जहाज के साथ एक लोहे का स्ट्रिंग से बांधा गया, लेकिन जैसे ही यह व्हीकल नीचे पहुंचा उसी पलों में रिसर्चर्स को ये महसूस होने लगा कोई ये व्हीकल को नीचे से खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और ये खिंचाव बहुत ही शक्तिशाली है। सतह पर मौजूद रिसर्चर्स ने अपने व्हीकल को खो न दे इसीलिए उन्होंने शिप को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये अपने जगह से नहीं हिल रहा था। कुछ घंटे बाद ये खींचातानी खत्म हुआ और रिसर्चर्स ने जब व्हीकल को ऊपर खींचा तब उन्होंने जो देखा तो सबके सब तंग रह गए। इस व्हीकल का एक साइड पूरी तरह से पिचक चुका था और लोहे का स्ट्रिंग ऑलमोस्ट टूट चुका था, मानो ऐसे ही कुछ अटैच था, और इसका चारों पांचों विशाल के दांतों के निशान थे
देख के ही पता चल रहा था कोई विशाल सजीव इसे चबाने की कोशिश किया है। फिर दांतों के निशान और शक्ति को मापते हुए ये पता चला है मरियाना ट्रेंच के नीचे दुनिया की सबसे विशाल और प्राचीन दो जीव मोजोसोरस और मेगलाडोन के रहने की संभावना अभी भी है। विलुप्त हुए ये दोनों जीवों के अंदर मोजोसोरस था एक विशालकाय मगरमच्छ और मेगलाडोन थे एक विशालकाय जायंट शार्क जो आज का सबसे खतरनाक ग्रेट व्हाइट शार्क से एटलीस्ट 5 गुना बड़ा और करीब 50 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। तो क्या सच में ये दोनों जीव अभी भी जिंदा है? वैज्ञानिक ने अभी भी इसका सही जवाब नहीं दे पाया क्योंकि ये दोनों जीव को दोबारा कभी भी देखा नहीं गया था। ये रहस्य तो अभी के लिए फाइलों में दबा दिया गया था लेकिन जो घटना कुछ साल पहले 1997 में हुई थी उसमें तो वैज्ञानिकों का होश ही उड़ गए थे। पैसिफिक ओशन में साइंटिस्ट को एक ऐसी जीव का आवाज़ को सुनाई दिया जिसका फ्रीक्वेंसी 6000 किलोमीटर तक था और ये आवाज़ कुछ ऐसा था। और यहीं पे बात करें अगर हम ब्लू होल की तो इसका आवाज़ कुछ ऐसा होता है। और ब्लू होल के आवाज़ का फ्रीक्वेंसी से 1500 किलोमीटर तक ही होते हैं। तो इस कंपैरिजन से ये पता चल रहा है अगर ब्लू होल से 5 गुना विशाल का कोई जीव होगा तो वो सिर्फ ब्लू पे हो सकते हैं। आखिर में असली सच तो हमें अभी भी नहीं पता क्योंकि आज तक समुद्र की सिर्फ 5% जीव को ही हम डिस्कवर किया है। समुद्र के बारे में हमें और जानने के लिए और भी इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे डीप सी के बारे में आपकी क्या राय है हमें ज़रूर कॉमेंट करना। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो, आप क्या जानना चाहते हो, आपके सवाल हमें कमेंट करो। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे आपके सवाल के साथ। तब तक के लिए प्यार में रहिए हमारे और प्रकृति के साथ।